संस्था क्या है, ये कहाँ होता है, इसकी क्या क्या बाउंड्रीज हैं, व्हाट आर द कंटेंट्स एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द पॉपुलेटियल फोसा इन टर्म ऑफ द कंटेंट्स, ठीक है। ये इतनी सारी चीजें हैं जो इस फोसा के बारे में आपको आनी चाहिए, या दीज आर द थिंग्स विच यू विल हैव कॉमनली आस्क इन योर एग्जाम, ठीक है। तो पॉपुलेटियल फोसा कहाँ होता है, सो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ पॉपुलेटियल फोसा, सो पॉपुलेटियल फोसा इज लोकेटेड ऑन द बैक साइड ऑफ योर नी, और यू कैन से दैट इट इज ए स्पेस विच इज ए डायमंड शेप स्पेस और रोम्बॉइड शेप स्पेस। इस स्पेस का शेप कैसा है, रोम्बॉइड शेप, ठीक है, या यू कैन से डायमंड शेप। और ये जो स्पेस है, ये स्पेस आपके इंटरमस्कुलर एरिया, यानी जो बैक ऑफ योर लोअर पार्ट ऑफ थाई है और अपर पार्ट ऑफ लैग है, उन दोनों के बीच में इंटरमस्कुलर स्पेस होता है, ठीक है। यानी ये स्पेस चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, मसल से घिरा हुआ है, ठीक है। That's why it is said that popliteal fossa is a intermuscular space and it is present on the posterior aspect of your knee joint. And ये जो knee joint के पीछे का जो depression है, it will become more prominent when you will have semi-flexion of your knee joint. So when you will have semi-flex knee, at that time this popliteal fossa become more prominent. ठीक है। तो boundaries में आप क्या क्या देखोगे पॉपुलेटियल फोसा की, तो बाउंड्रीज में हम सबसे पहले पढ़ते हैं रूफ, ठीक है, देन यू विल हैव द फ्लोर एंड देन यू विल हैव द बाउंड्रीज विच आर एक्चुअली द मसल्स, एज वी आर सेइंग दैट इट इज ए इंटरमस्कुलर स्पेस, ठीक है। सो अगर आप इस फोसा को देख रहे हो तो ये क्या है, डायमंड शेप फोसा है, ठीक है। और ये फोसा बेसिकली काम होता है, सो व्हेन यू विल सी द फीमर बोन, नाउ दिस इज द फीमर बोन, इस फीमर बोन के पोस्टीरियर एस्पेक्ट में यहां पे ये जो सरफेस है, दिस सरफेस इज नोन एज पॉपुलेटियल सरफेस, ठीक है। और ये फीमर नीचे आर्टिकुलेट करेगा टीबिया के साथ, ठीक है। सो बैक ऑफ दिस एरिया, ठीक है, यानी ये जो फ्रंट है, ये फीमर का फ्रंट है और ये इसका पोस्टीरियर एस्पेक्ट है। सो इन दिस लोअर पार्ट ऑफ योर पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ योर फीमर, वेयर यू विल हैव दिस पॉपुलेटियल सरफेस, तो ये जो पॉपुलेटियल सरफेस है, ये पॉपुलेटियल सरफेस पे आपको क्या मिलेगा, अपर पार्ट ऑफ पॉपुलेटियल फोसा, नीचे क्या आ गया, टीबिया। सो टीबिया के पीछे अपर पार्ट में क्या मिलेगा, लोअर पार्ट ऑफ पॉपुलेटियल फोसा, ठीक है। इसके अलावा इस पॉपुलेटियल फोसा को बनाने में जो मसल्स काम आ रही हैं, वो मसल्स दो ग्रुप की मसल्स हैं। कौन सी ग्रुप, एक तो वो ग्रुप जो बैक ऑफ द थाई में है और एक वो ग्रुप जो बैक ऑफ योर काफ मसल्स है, यानी लैग का पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, ठीक है। तो यहां पे जब आप इसकी बाउंड्रीज देख रहे हो, और अगर हम सपोज इसको दो पार्ट में डिवाइड करें, तो ये क्या कहलाएंगे, सुपीरियर एरिया, और ये क्या कहलाएगा, इंफीरियर एरिया, ठीक है। अगर ये हम मीडियल माने, दिस एरिया इज द मीडियल साइड एंड दिस एरिया इज द लैटरल साइड, ठीक है, तो ये वाली बाउंड्री क्या कहलाई, सुपीरो मीडियल, ये वाली बाउंड्री क्या कहलाई, सुपीरो मीडियल, ये वाली बाउंड्री क्या कहलाई, सुपीरो लैटरल। इसी तरह से ये क्या हुआ, इन्फ्रो मीडियल एंड ये हुआ इन्फ्रो लैटरल। सो इस डायमंड शेप स्ट्रक्चर की चार बाउंड्रीज होगी। So, ये जो सुपीरो मीडियल बाउंड्री है, दिस सुपीरो मीडियल बाउंड्री इज फॉर्म्ड बाय द टू मसल्स विच आर कमिंग फ्रॉम हैमस्ट्रिंग, ठीक है। सो हैमस्ट्रिंग की दो मसल हमें यहाँ दिखती हैं इस बाउंड्री में। सो वो जो मसल्स हैं, ये जो मसल्स आ रही हैं, ये जो दो मसल्स हमें यहाँ दिखती हैं, ये एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, यानी पीछे से जब आप डिसेक्शन करोगे तो सुपरफिशियली आपको मिलेगी मसल इज नोन एज सेमी टेंडिनोसस। कौन सी मसल, सेमी टेंडिनोसस। और इस सेमी टेंडिनोसस के नीचे जो दूसरी मसल यहां मिल रही है, दैट इज सेमी मैम्ब्रेनोसस, ठीक है। सो यहां पे आपको दो मसल्स मिलती हैं जो इसका सुपीरो मीडियल बाउंड्री बना रही हैं,
ठीक है, तो जब आप डिसेक्शन करोगे तो पहले आपको एक टेंडन मिलेगा एंड दैट टेंडन इज ऑफ सेमी टेंडिनोसस, उसके नीचे एक ब्रॉड मसल मिलेगी एंड दैट इज ऑफ सेमी मेम्ब्रेनोसस। तो ये तो इसके अपर पार्ट में मीडियल साइड होते हैं। लैटरल साइड में यहां पे भी एक मसल है एंड दैट इज अ सिंगल मसल इज नोन एज बाइसेप्स फीमोरिस। इस मसल का नाम क्या है? बाइसेप्स फीमोरिस। ठीक है, नीचे जो दो मसल्स हैं, ठीक है, एज वी आर सेइंग इट इज अ इंटरमस्कुलर स्पेस, तो यहां पे मीडियली और यहां पे लैटरली ये दो मसल्स एक्चुअली एक ही मसल के दो हेड हैं और इस मसल का नाम है गैस्ट्रोक्नीमियस। ठीक है, सो ये जो दो हेड हैं ये कौन सी मसल के हेड हैं? आंसर इज गैस्ट्रोक्नीमियस मसल। सो यू विल हैव one is the superolateral boundary, one is superomedial boundary and two inferior boundaries, and both the inferior boundaries are formed by a single muscle is gastrocnemius, which is having two head, medial head and lateral head। ठीक है, और यहां lateral head में एक और छोटा सा muscle contribute करता है and this is a very small rudimentary muscle which is on the lateral aspect is known as plantaris। It is plantaris. Clear? So when you are writing the boundaries of this intermuscular space, so you can see that upper part is bounded by the muscles which are in the back of the thigh, that is the hamstrings. You will have the semitendinosus and membranosus on the medial side, and the long head of biceps with its short head is forming its superolateral boundary. While the calf muscle, जिसमें जो सुपरफिशियल काफ मसल है, दैट इज नोन एज गैस्ट्रोक्नीमियस, इट इज हैविंग द मीडियल हेड एंड द लैटरल हेड एंड यू विल हैव द एडिशनली स्मॉल पार्ट ऑफ प्लांटरिस मसल। तो इस तरह से यहां पे आपको एक डिप्रेशन क्रिएट हुआ इंटरमस्कुलर स्पेस में एंड दैट डिप्रेशन इज नोन एज पॉपलिटियल फोसा। ठीक है, सो ये तो हो गई इसकी मस्कुलर बाउंड्री। नाउ अब हम इसका देखेंगे रूफ एंड फ्लोर। रूफ का मतलब ये हुआ कि जब आप पीछे से डिसेक्शन करने स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले बाहर क्या आएगा, तो बट ऑब्वियसली पोस्टीरियरली क्या मिलेगा आपको? स्किन। ठीक है, सो द फर्स्ट लेयर व्हिच यू आर डिसेक्टिंग ऑन द बैक ऑफ द लैग, ठीक है, तो जब आप पॉपलिटियल फोसा में डिसेक्शन शुरू करोगे तो द फर्स्ट लेयर इज स्किन। ठीक है, स्किन के नीचे मुझे क्या मिलेगा? बट ऑब्वियसली सबक्यूटेनियस एरिया, ठीक है, वेयर यू विल हैव द सुपरफिशियल फेशिया। एंड ये जो सबक्यूटेनियस लेयर है इसमें हमें क्या मिलती है? सुपरफिशियल नर्व एंड वेसल्स। ठीक है, सुपरफिशियल नर्व्स एंड वेसल्स वो नर्व एंड वेसल्स हैं जो क्यूटेनियस नर्व सप्लाई कर रही है, यानी स्किन को नर्व सप्लाई कर रही है। और यहां बैक में आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक सुपरफिशियल वेन मिलती है, दैट इज नोन एज स्मॉल सैफेनस वेन। क्या मिलेगा? स्मॉल सैफेनस वेन। तो स्मॉल सैफेनस वेन हमें कहां मिलेगी? बैक ऑफ योर पॉपलिटियल फोसा। ठीक है, पॉपलिटियल फोसा पे जो सुपरफिशियल लेयर है उसमें भी क्या मिलती है? स्मॉल सैफेनस वेन। ये स्मॉल सैफेनस वेन एक्चुअली अपर लिम में जो हमारी बेसिलिक वेन है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग होती है। ठीक है, स्मॉल सैफेनस वेन स्टार्ट होती है लैटरल साइड ऑफ योर डॉर्सल वेनस आर्ट से। ठीक है, और ये स्मॉल सैफेनस वेन पॉपलिटियल वेन में ओपन हो जाती है बाय पियर्सिंग द डीप फेशिया इन दिस एरिया। ठीक है, सो जब आप इसका स्किन हटाया, आपने सुपरफिशियल एरिया हटाया जहां पे आपको क्या मिला? ये सुपरफिशियल स्ट्रक्चर। इसको जब आप हटाओगे तो थर्ड लेयर सुपरफिशियल के नीचे क्या मिलेगी? डीप फेशिया। और ये जो डीप फेशिया है इस एरिया में ये कहलाता है पॉपलिटियल फेशिया। So popliteal fascia is nothing but it is the name of the deep fascia which overlying the popliteal fossa. So popliteal fossa का जो deep facial covering है उसी को हम popliteal fascia बोलते हैं। ठीक है, तो जब आप roof की बात कर रहे हो, when you are talking about the roof, आप सबसे पहले क्या हटाओगे? Skin, skin के नीचे हटाओगे superficial fascia, superficial layer के अंदर आपको subcutaneous nerves and vessels मिलेंगी और उनको हटाओगे तो आपको क्या मिलेगा? डीप फेशिया। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज अबाउट द रूफ ऑफ पॉपलिटियल फोसा। सो नाउ विल सी
द फ्लोर ऑफ पॉपलिटियल फोसा। देखिए फ्लोर जब आप पॉपलिटियल फोसा का देखते हैं तो आपको दो बोन्स का पोस्टीरियर एस्पेक्ट देखना है, दिस इज योर लोअर एंड ऑफ द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द फीमर एंड दिस इज द टीबिया। क्लियर? नाउ ये जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट है ये किससे कवर है, यहां पे ये क्या बना आपका नी जॉइंट। ठीक है, तो ये जो नी जॉइंट बना, ये नी जॉइंट का अपना कैप्सूल है बिकॉज इट इज अ साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, और यहां पे हम बात कर रहे हैं कि ये पॉपलिटियल फोसा है, दिस इज योर डिमार्केशन ऑफ पॉपलिटियल फोसा। ठीक है, तो अगर आप फ्लोर की बात करोगे, व्हेन यू सी द फ्लोर, तो फ्लोर में आपको सारे स्ट्रक्चर हटाने के बाद क्या दिखेगा, सबसे पहले आपको ये दिख रहा है कैप्सूल। ठीक है, तो फ्लोर के अंदर जो मेन स्ट्रक्चर है दैट इज द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द कैप्सूल ऑफ नी जॉइंट। ठीक है, क्या दिख रहा है, कैप्सूल ऑफ नी जॉइंट, साथ में आपको पॉपलिटियल सरफेस ऑफ द फीमर, ठीक है, ये नजर आएगी, एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द अपर पार्ट ऑफ टीबिया। ठीक है, सो ऊपर से नीचे क्या होगा, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द फीमर इन लोअर पार्ट, कैप्सूल ऑफ द नी जॉइंट एंड द अपर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टीबिया। प्लस यहां पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो लैटरल साइड होता है वहां से आपका एक मसल अराइज होता है एंड दिस इज ए इंट्रा आर्टिकुलर मसल, और ये मसल ओरिजिनेट होने के बाद नी जॉइंट के पीछे से जाके टीबिया पे इस तरह से इंसर्ट हुआ। ठीक है, और ये जो मसल है इसका नाम है पॉपलीटियस। इस मसल का नाम क्या है, पॉपलीटियस। सो ये पॉपलीटियस मसल भी आपको किसमें मिलेगी, फ्लोर ऑफ योर पॉपलिटियल फोसा। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि आपने पीछे से जब डिसेक्शन किया तो स्किन हटाया, सुपरफिशियल फेशिया हटाया, डीप फेशिया हटाया, उसके बाद कुछ कंटेंट्स हैं जिनकी अभी हम बात करेंगे, उन कंटेंट्स को अगर हम लिफ्ट कर दें या उनको रिमूव कर दें तो हमें जो स्ट्रक्चर मिलेंगी वो बोन्स, और बोन्स के बाद पीछे की तरफ नी जॉइंट का कैप्सूल, और कैप्सूल के लैटरल साइड से निकलता हुआ एक ब्रॉड मसल एंड दैट इज योर पॉपलीटियस मसल, एंड ये मसल अपने खुद के फेशिया से कवर होता है। ठीक है, साथ ही इसमें हमें एक और स्ट्रक्चर मिलता है जो कि एक्चुअली सेमी मेम्ब्रेनोसस के टेंडन का एक्सटेंशन है। सेमी मेम्ब्रेनोसस, इसका इंसर्शन क्या होता है, इसका इंसर्शन होता है मीडियल साइड में, यहां जो आपका मीडियल कॉन्डाइल है, इसके पोस्ट्रोलैटरली ग्रूव है, उस ग्रूव में आके ये मसल इंसर्ट हो जाती है, और इंसर्ट होने के बाद ये इस तरह से जब इंसर्ट होती है तो इंसर्ट होने के बाद एक एक्सपांशन देती है, ये एक्सपांशन कहलाता है ऑब्लिक पॉपलीटियल लिगामेंट, ऑब्लिक पॉपलीटियल लिगामेंट। तो ये जो मसल आई ऊपर से सेमी मेम्ब्रेनोसस इंसर्ट हुई और इसका एक एक्सपांशन निकला, दैट इज नोन एज ऑब्लिक पॉपलीटियल लिगामेंट। दिस ऑब्लिक पॉपलीटियल लिगामेंट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द फ्लोर एंड इट इज लाइंग ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ योर नी जॉइंट। ठीक है, सो कौन कौन से स्ट्रक्चर मिलेंगे हमें फ्लोर में, दोनों बोन्स के अलावा पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द कैप्सूल ऑफ द नी जॉइंट, पॉपलीटियस मसल एंड ऑब्लिक पॉपलीटियल लिगामेंट विच इज ए पार्ट ऑफ सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर व्हेन यू विल सी द फ्लोर ऑफ पॉपलीटियल फोसा। नाउ विल सी द कंटेंट्स ऑफ पॉपलीटियल फोसा। सो व्हाट आर द कंटेंट्स, देखिए सबसे पहले पॉपलीटियल आर्टरी। पॉपलीटियल आर्टरी इज ए कंटिन्यूएशन ऑफ, you can you know that it is a continuation of femoral artery, then you will have the popliteal vein, then we have the branches of sciatic nerve, that is the tibial nerve, and you will have the common peroneal nerve, then you will have some cutaneous nerves like posterior cutaneous nerve of thigh, or it is also known as posterior femoral cutaneous nerve. Then you will have a genicular branch of posterior division of obturator nerve, posterior division of obturator nerve. Then we have some lymph nodes which are present in the popliteal fossa,
and we have a large amount of the fat that will fill this fossa. ठीक है, so contents के बारे में जब भी आपसे popliteal fossa में पूछा जाए तो ये contents हैं जो आपको याद रखने हैं. ठीक है, उसमें से most important ये शुरू के चार contents हो जाते हैं, popliteal, artery, vein, tibial nerve and common peroneum. ठीक है, अब आप जब इस popliteal fossa को पढ़ोगे तो जितना भी हम रिलेशन पढ़ते हैं जो वेन आर्टरी नर्व के टर्म में पूछा जाता है वो इन फर्स्ट थ्री स्ट्रक्चर का होता है. ठीक है, हम जो रिलेशन पढ़ेंगे वो पॉपुलेटियल आर्टरी, पॉपुलेटियल वेन और टीबियल नर्व, इन तीनों का आपस में रिलेशन पढ़ेंगे, बाकी के स्ट्रक्चर्स का हम इसमें रिलेशन नहीं देखते हैं. ठीक है, यहां पे आपको जो इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है वो ये है कि जो पॉपुलेटियल आर्टरी और पॉपुलेटियल वेन है ये फ्रंट ऑफ थायर के जो वेसल्स हैं उनके कंटिन्यूएशन में. ठीक है, यानी फीमोरल आर्टरी फ्रंट ऑफ थायर से होती हुई फिफ्थ ऑशियो एपोन्यूरोटिक ओपनिंग ऑफ अडक्टर मैग्नस से कहां एंटर हुई, पॉपुलेटियल फोसा में, और क्या कहलाई, पॉपुलेटियल आर्टरी. यानी पॉपुलेटियल आर्टरी का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, आंसर इज फिफ्थ ऑशियो एपोन्यूरोटिक ओपनिंग ऑफ अडक्टर मैग्नस, है ना, जिसको हम देखते हैं कि वो सबसे बड़ी ओपनिंग है अडक्टर मैग्नस की. ठीक है, पॉपुलेटियल वेन, पॉपुलेटियल वेन जो नीचे से बनना शुरू हुई तो वो लैग में जो आपकी टीबियल वेन्स है उनके कॉम्बिनेशन से बनी और ये इसी अडक्टर कैनाल में एंटर होती, क्या कहलाई, फीमोरल वेन. ठीक है, लेकिन जो नर्व है वो पॉपुलेटियल फोसा के अंदर फ्रंट ऑफ थाई से नहीं आती है, ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी है. कई बार ये मिस्टेक करते हैं बच्चे कि जो फीमोरल नर्व है उसकी किसी ब्रांच को वो पीछे पॉपुलेटियल फोसा में ले जाते हैं, बट दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड दैट पॉपुलेटियल फोसा में फ्रंट ऑफ थाई से कोई नर्व नहीं आ रही है. जो नर्व आप देख रहे हैं ये बैक ऑफ थाई की ही नर्व है, दैट इज द शियाटिक नर्व जो पॉपुलेटियल फोसा में जाके ब्रांच दे रही है. ठीक है, नाउ वी सी द इंपॉर्टेंट रिलेशन ऑफ पॉपुलेटियल आर्टरी, पॉपुलेटियल वेन एंड टीबियल नर्व. ठीक है, देखो जो फीमर है, इस फीमर का ये सरफेस क्या कहलाया, पॉपुलेटियल सरफेस. ठीक है, इसके मीडियल साइड में, ठीक है, यानी इसके मीडियली यहां से क्या गया आपका पॉपुलेटियल आर्टरी स्टार्ट हुआ. ठीक है, ये पॉपुलेटियल आर्टरी कैसे एंटर हुआ था, ये पॉपुलेटियल आर्टरी एंटर हुआ था थ्रू दिस, यहां पे अडक्टर हाइटस था. ठीक है, अडक्टर हाइटस मतलब फिफ्थ ऑशियो एपोन्यूरोटिक ओपनिंग, उस हाइटस से ये आर्टरी आगे तो क्या कहलाया, अडक्टर कैनाल और फ्रंट ऑफ थाई में ये क्या कहलाया, फीमोरल आर्टरी. और यहां पे ये आफ्टर दिस पॉइंट ऑफ अडक्टर हाइटस नाउ दिस इज नोन एज पॉपुलेटियल आर्टरी. ठीक है, अब जो क्वेश्चन है ना वो ये है कि ये जो आर्टरी है इसका बोन के साथ क्या रिलेशन है, यानी जो फ्लोर है, अभी हमने बात की फ्लोर की, तो जो फ्लोर आपका बन रहा है दैट इज फॉर्म बाय द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फीमर, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द कैप्सूल ऑब्लिक पॉपुलेटर लिगामेंट एंड द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टीबिया. तो जो फ्लोर है उससे ये चिपकी हुई होती है. ठीक है, ये आर्टरी क्या हुई, क्या है, इट इज वेरी नियर और यू कैन से डीप इनटू द पॉपुलेटियल फोसा. ठीक है, पॉपुलेटियल फोसा में अगर आप पोस्टीरियर साइड से बात कर रहे हो तो सबसे डीप क्या है, पॉपुलेटियल आर्टरी. ठीक है, और इस पॉपुलेटियल आर्टरी के आगे क्या है, पॉपुलेटियल आर्टरी के आगे है पॉपुलेटियल वेन. ठीक है, पॉपुलेटियल आर्टरी के आगे क्या है, पॉपुलेटियल वेन, और पॉपुलेटियल वेन के आगे क्या होती है, टीबियल नर्व. ठीक है, तो ये सपोज करो टीबियल नर्व है, तो टीबियल नर्व यानी जब हम बैक ऑफ नी जॉइंट की बात कर रहे हैं तो वहां पे जो हमारे तीन स्ट्रक्चर हैं वो तीनों स्ट्रक्चर इस तरह से एंट्रोपोस्टीरियरली हैं, जिसमें सबसे सुपरफिशियल स्ट्रक्चर क्या है, दिस टीबियल नर्व, उसके बाद क्या है, दिस पॉपुलेटियल वेन, और उसके बाद सबसे पीछे क्या है, पॉपुलेटियल आर्टरी. ठीक है, सो मिड ऑफ योर पॉपुलेटियल फोसा के अंदर जब भी आप ये जो डायग्राम देखते हैं, ये जो क्लासिकल डायग्राम हम बनाते हैं पॉपुलेटियल फोसा का, इस पॉपुलेटियल फोसा के डायग्राम में हम अगर सेंटर में स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं तो सेंटर में सबसे पीछे क्या है, दिस इज योर आर्टरी. ठीक है, इस आर्टरी को ओवरले कौन कर रहा है,
दिस इज योर वेन, और वेन को ओवरलैप कौन कर रहा है? टीबियल नर्व, ठीक है, ठीक है। तो ये तीन स्ट्रक्चर हैं जो इस तरह से एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, इन द मिड पार्ट। आपका नर्व है, नर्व के पीछे वेन है, वेन के सबसे पीछे आर्टरी है, आर्टरी किसके ऊपर चिपकी हुई है? फ्लोर के ऊपर। अब ये जो आर्टरी है, ये आर्टरी जब आप ऊपर देखते हो तो ये पॉपलिटियल फोसा में मीडियली, मीडियल साइड से एंटर, क्योंकि एडक्टर हायाटस का होता है, मीडियली होता है, ठीक है। और ये आर्टरी नीचे जाएगी और नीचे जाके ये लैटरल पार्ट ऑफ दिस योर गैस्ट्रोपनियस के हेड के पीछे जाके डिसअपीयर हो जाएगी, और पॉपलिटियस मसल जो है उसकी लोअर बॉर्डर पे जाके इट विल डिवाइड इनटू द टर्मिनल ब्रांचेस, ठीक है। सो ये जो पॉपलिटियल आर्टरी है, इस पॉपलिटियल आर्टरी का एंट्री पॉइंट कहां हुआ पॉपलिटियल फोसा में? फ्रॉम द मीडियल साइड, और ये गई और जाके लैटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोपनियस के डीप में डिसअपीयर हो गई, और वहां पे फिर इसने टर्मिनेशन दिया। ये जो वेन है, ये वेन किससे बनी? ये वेन बनी एंटीरियर टीबियल एंड पोस्टीरियर टीबियल वेन के कॉम्बिनेशन से। सो एंटीरियर टीबियल वेन एंड पोस्टीरियर टीबियल वेन ने मिलके क्या बनाया? पॉपलिटियल वेन। और ये जो पॉपलिटियल वेन है, ये पॉपलिटियल वेन जब अंदर जाएगी तो ऊपर जाने के बाद ये फिर एडक्टर कैनाल के अंदर क्या कहलाएगी? फीमोरल वेन, ठीक है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है कि जब आप फ्रंट ऑफ थाई देखते हो, जैसे ये फ्रंट ऑफ थाई है, इस फ्रंट ऑफ थाई में हम जब स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज योर सेकंड एंड दिस इज योर थर्ड स्ट्रक्चर। ये क्या है? वेन, ये क्या है? आर्टरी, और ये क्या है? नर्व। सो व्हाट इज द रिलेशन फ्रॉम मीडियल टू लैटरल? व्हाट इज द रिलेशन फ्रॉम मीडियल टू लैटरल? वेन, आर्टरी, नर्व। Vein is the medial most structure in the front of thigh, then you will have artery and then you will have nerve. Now, ये जो दो structure हैं, vein और artery, इनका ये जो combination है, that is medially vein रहेगी, laterally artery रहेगी, ठीक है? ये धीरे-धीरे खत्म हो जाता है when you will see in the popliteal fossa because of the spiral or you can say the rotation of your lower limb butt. लोअर लिम बड के रोटेशन होने की, अंदर की तरफ मीडियल रोटेशन होने की वजह से ये जो आपका रिलेशन है जहां पे वेन आप मीडियली देख रहे हो और आर्टरी वेन के लैटरली होती है फ्रंट ऑफ थाई में, ये रिलेशन यहां पॉपलिटियल फोसा में नहीं होता, ठीक है। द रिलेशन हैज बीन चेंज। सो नाउ व्हेन यू विल सी द एंट्री पार्ट, यहां पे आप क्या देखते हो कि जो वेन होती है, ये वेन इस तरह से आर्टरी के रिलेशन में आ गई, ठीक है। तो ये मीडियल साइड है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर मीडियल मोस्ट हो गई, और उसके बाद ये सेकंड स्ट्रक्चर है। तो ये सेकंड स्ट्रक्चर क्या हुई? ये लैटरल एस्पेक्ट है, ठीक है। सो इस फ्रेम में व्हेन यू विल सी द रिलेशन, व्हाट यू आर एबल टू सी इज कि नाउ ये जो वेन है, ये वेन कहां हो गई? इस आर्टरी के लैटरल में हो गई, जबकि यहां वेन कहां थी? मीडियल मोस्ट स्ट्रक्चर थी। फिर जैसे जैसे आप नीचे उतरते हो तो ये एंट्रोपोस्टीरियर रिलेशन बनाते हैं, और इन लोअर पार्ट ये जो आर्टरी है और ये जो वेन है, इनका वापस से रिलेशन चेंज हो गया, ठीक है। सो यहां पे इस लोअर पार्ट में ये लैटरल साइड है, तो आर्टरी कहां है? लैटरली। अपर पार्ट में आर्टरी कहां है? मीडियली, ठीक है। अपर पार्ट में वेन कहां है? लैटरली। लोअर पार्ट में वेन कहां है? मीडियली, ठीक है। और इन दोनों के ऊपर एक वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन क्या है? दिस वर्टिकल लाइन विच इज स्ट्रेट इज योर टीबियल नर्व, ठीक है। सो टीबियल नर्व सबसे सुपरफिशियल स्ट्रक्चर है, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। सो टीबियल नर्व, उसके पीछे वेन और उसके पीछे आर्टरी, ये तो आपको मिडिल पार्ट में मिल रहा है। ऊपर क्या हुआ? ऊपर ये ऐसे मिल रहा है, यानी ये ब्लैक कलर का नर्व सबसे लैटरल है, देन वेन है और आर्टरी है, और जब आप नीचे गए तो ये ऐसे हो गया, ठीक है, ठीक है। नीचे गए तो ये इस तरह से हो गया, आर्टरी, वेन एंड नर्व, क्लियर। यहां पे एक और नर्व अराइज हो रही है, दैट इज योर कॉमन पेरोनियल नर्व, लेकिन कॉमन पेरोनियल नर्व का वेसल्स के साथ कोई रिलेशन नहीं है। और क्या कॉमन पेरोनियल नर्व लैटरल जो आपकी बॉर्डर है, सुपीरियर बॉर्डर, उसके अलाउंग रन करती है, और यहां से बाइसेप्स फीमोरिस के
इंसर्शन पॉइंट पे गायब हो जाती है, ठीक है। सो व्हेन यू विल सी द popliteal fossa, popliteal fossa में तीन चार रिलेशन जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है जो हमेशा पूछे जाते हैं आपसे। तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो कि सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि popliteal fossa में बोन के एडजेसेंट यानी फ्लोर के एडजेसेंट कौन सा स्ट्रक्चर होता है, तो फ्लोर से चिपका हुआ होता है आर्टरी, ठीक है, और सबसे बाहर यानी सुपरफिशियल स्ट्रक्चर कौन होती है, नर्व, कौन सी नर्व, टीबियल नर्व। दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ न्यूरोवैस्कुलर बंडल इन अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट ऑफ द popliteal fossa। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो आर्टरी है वो अपर पार्ट में मीडियली होती है, लोअर पार्ट में आते आते लैटरली हो जाती है, ठीक है, और जो नर्व है वो अपर पार्ट में लैटरली होती है, लोअर पार्ट में मीडियल मोस्ट स्ट्रक्चर हो जाती है, और मिड ऑफ द popliteal fossa में ये स्ट्रक्चर एंट्रोपोस्टीरियरली हो जाते हैं, यानी अगर आप पीछे से सबसे सुपरफिशियल स्ट्रक्चर देखोगे तो वो क्या होगा, दैट इज योर टीबियल नर्व, ठीक है। लेकिन कई बार ये पूछा जाता है कि विच इज द एंटीरियर मोस्ट स्ट्रक्चर इन popliteal fossa, तो एंटीरियर मोस्ट स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी, फीमोरल आर्टरी। कंफ्यूजन नहीं होना है, एंटीरियर मोस्ट का मतलब ये हुआ कि जब हम एनाटॉमिकल पोजीशन की बात कर रहे हैं और जब हम आगे से देखेंगे तो बट ऑब्वियसली अगर ये फीमर बोन है, ठीक है, तो इसके पीछे ये जो तीन स्ट्रक्चर है, इन तीन स्ट्रक्चर में सबसे आगे एंटीरियर मोस्ट क्या है, दिस आर्टरी, ठीक है। और अगर मैं कहूं विच इज द पोस्टीरियर मोस्ट स्ट्रक्चर इन द popliteal fossa, सो आंसर इज टीबियल नर्व। और अगर मैं कहूं विच इज द सुपरफिशियल स्ट्रक्चर इन द टीबियल popliteal fossa, अगेन द टीबियल नर्व। सुपरफिशियल मतलब जो हमने पीछे से जब डिसेक्शन किया तो ये सुपरफिशियल है और ये क्या है, आर्टरी डीप है। लेकिन अगर हम इसको एंटीरियर पोस्टीरियर के रिलेशन में बात करेंगे तो एंटीरियर स्ट्रक्चर क्या है, योर आर्टरी, popliteal artery, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि ये बड़ा कंफ्यूजिंग सवाल हो जाता है कि विच इज द एंटीरियर स्ट्रक्चर इन popliteal fossa, विच इज द डीपेस्ट स्ट्रक्चर इन popliteal fossa, विच इज द सुपरफिशियल स्ट्रक्चर इन popliteal fossa। सो एंटीरियर स्ट्रक्चर एंड डीपेस्ट स्ट्रक्चर बोथ आर popliteal artery एंड द सुपरफिशियल स्ट्रक्चर इज टीबियल नर्व और पोस्टीरियर मोस्ट स्ट्रक्चर इज टीबियल नर्व, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज अबाउट द रिलेशंस ऑफ दीज थ्री स्ट्रक्चर इन द popliteal fossa। सो व्हाट यू शुड नो अबाउट द popliteal fossa, कि popliteal fossa की लोकेशन क्या है, popliteal fossa की बाउंड्री क्या है, उसका रूफ कैसे बना, उसका फ्लोर कैसे बना, उसके कंटेंट्स के नाम आपको याद होने चाहिए, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने अभी आपको बताई कि popliteal fossa में टीबियल नर्व, popliteal vein और popliteal artery का क्या रिलेशन है और अपर लोअर पार्ट में वो कैसे चेंज होता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज अबाउट द popliteal fossa। नाउ वी हैव सम इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट्स अबाउट द popliteal fossa। फॉर एग्जांपल यू हैव द पल्सेशन ऑफ popliteal fossa। देखिए popliteal fossa में पल्सेशन ऑफ popliteal artery को फील करना बड़ा टफ जॉब है, क्यों है, बिकॉज एक तो मैंने बताया कि ये सबसे डीप होता है ना, और दूसरा popliteal fossa इज हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ द फैट, ठीक है। सो आपको जो पाल्पेशन है popliteal artery का उसको हम बोलते हैं डीप पाल्पेशन, ठीक है, इट इज नॉट सुपरफिशियल इन द popliteal fossa। सो इफ यू वॉन्ट टू डू द पाल्पेशन ऑफ द popliteal artery, इट इज नोन एज डीप पाल्पेशन ऑफ योर popliteal artery इन popliteal fossa। दूसरी चीज कि popliteal artery के का पल्सेशन कब चेक किया जाता है, तो आंसर इज मोस्ट कॉमनली इन केस ऑफ द coarctation ऑफ aorta। coarctation ऑफ aorta एक congenital anomaly होती है aorta की, जिसमें अपर लिम और लोअर लिम में ब्लड प्रेशर में डिफरेंस होता है, ठीक है। सो इन दैट केस अगर हमें लोअर लिम के ब्लड प्रेशर को मेजर करना है तो वी जनरली यूज द popliteal artery फॉर द मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर इन लोअर लिम, ठीक है। तीसरा जो इम्पोर्टेंस है वो है popliteal artery aneurysm, ठीक है। popliteal artery जो है उसकी वॉल में dilatation हो जाता है, that is known as popliteal artery aneurysm, ठीक है। So this is all about popliteal fossa, thank you।